10 साल का फिल्मी करियर, लेकिन आज जब मैं उनसे बात करने बैठ रही हूँ, शी हैज़ अ लॉट टू टॉक। बहुत सारी ऐसी फिल्में हैं, बहुत सारे ऐसे गाने हैं जो आज हर घर का हिस्सा बन चुका है, स्पेशली बच्चे उन गानों पर थिरकते हैं, बात करते हैं और उनका नाम भी बदल देते हैं। कहीं कहीं आपका नाम तो बुट्टे बम्मा भी है, राइट? अभी मेरा नाम बुट्टे बम्मा ही है। अभी मे बी नेक्स्ट टाइम जब हम इंटरव्यू करेंगे तो अरबिक कुत्तो हो जाएगा, पता नहीं। बट यू डू दिस, या लाइक दिस, इट्स लाइक नजर उतारो दिस एंड देन नजर उतारो। सो दैट्स हाउ आई मीन, इतना जल्दी वो कैच कर गया बच्चों के बीच में स्पेशली। अगर आज पूछूं पूजा, व्हेन यू लुक बैक, आज जब अपनी जर्नी को आप देखते हो, आपको सबसे पहली बात जो है वो क्या याद आता है, जब व्हेन यू स्टेप्ड इनटू द इंडस्ट्री और आज जिस स्पेस में आपको? मेरा जो जर्नी जो रहा है बहुत ऐसे रोलर कोस्टर राइड जैसा था। ऊपर वीव गॉन अप गॉन डाउन, 360 डिग्री स्पिन भी था मेरे करियर में। बट आई एम सो हैप्पी दैट अब तो लाइक यू नो ऑडियंसेस हैव रियली लव्ड मी, एक्सेप्टेड मी, और दूसरे लैंग्वेजेस में भी मुझे इतना एक्सेप्ट किया है, एंड दैट्स समथिंग दैट आई रियली। व्हाट इज दिस पैन इंडिया स्टार? You have to tell me. बहुत पहले ऐसा नहीं था, लेकिन बीच में एक था कि अरे ये साउथ इंडियन स्टार है या फिर ये नॉर्थ इंडियन स्टार है, लेकिन अब एक फिल्म बनती है और बहुत सारे लैंग्वेजेस में बनती है, correct. और हर जगह उसका एक्सेप्टेंस है, लोग समझ पाते हैं। सो दैट्स हाउ, मैंने तो पूरा परिभाषा बता दिया। बिसाइड्स राधे श्याम, नन ऑफ माई फिल्म्स हैव एक्चुअली बीन ऐसे पैन इंडिया की मैंने दो लैंग्वेजेस में शूट किए। लाइक एटलीस्ट राधे श्याम दो लैंग्वेजेस में हम लोग ने शूट किया था, हिंदी और तेलुगु। लेकिन क्या हुआ कि जो मैंने साउथ में काम किया था वो इट्स काइंड ऑफ क्रॉस स्टेट्स ऑन इट्स ओन, एंड मेरे माइंड में हमेशा था कि मैं एक इंडियन एक्ट्रेस बनना चाहती हूँ। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही इंडस्ट्री में काम करना है या फिर एक ही इंडस्ट्री में आई वॉन्ट टू बी नोन। आई फील कि लैंग्वेजेस में एक पावर होता है, और इफ आई से speak in that language, I can instantly connect with somebody. Like, you're Bengali. If I start speaking to you in Bengali and I'm not Bengali, you'll be like, अरे वाह, एक connect exactly, right? या फिर like you were saying Tulu, you know, so you can really connect. It's something magical about languages. कुछ होता है, एक smile तो आती ही है चेहरे पर, and they suddenly feel you like ये अपना है। Exactly, and I feel like वो करना था मुझे मेरे करियर के साथ, क्योंकि मैंने जब तेलुगु किया, when you speak work in somebody's language, वो एक प्रिविलेज होता है, एंड आई कनेक्टेड विद द ऑडियंस, एंड rather than ऑडियंस कनेक्टेड विद मी, उन्होंने मुझे एक्सेप्ट किया, मुझे अपना माना। अभी तो मैं तेलुगु भी बात कर लेती हूँ। कितनी लैंग्वेज बोलती हो? मैंने काउंट नहीं किया है, लेकिन हिंदी, इंग्लिश, तेलुगु, तुलु, मराठी थोड़ा थोड़ा, मतलब इतना भी नहीं, बट बिकॉज आई एम बॉर्न ब्रॉट अप आई कैन अंडरस्टैंड क्वाइट अ बिट। तो साउथ का रास्ता कैसे अपनाया? मिस इंडिया के बाद मैं मॉडलिंग कर रही थी और काफ़ी रैंप शोज वगैरह किया था मैंने, और फिर एक साउथ का ऑफर आया था, और मैं बहुत ही लाइक डरी हुई थी, क्योंकि मैं कभी, आई हैव नेवर गॉन टू एन एक्टिंग स्कूल और एन एक्टिंग, मेरे फैमिली में भी कोई ऐसा नहीं है जो, आई नो, मैं वही पूछने वाली थी कि भाई डॉक्टर बने, आपको कभी लगा था कि यू नो व्हाट वाज योर प्लान बी, लाइक अगर एक्टिंग नहीं होती तो क्या करते? प्लान बी छोड़ो, मेरे पास प्लान ए भी नहीं था। अच्छा, ओके, इट वाज लाइक दैट। मैं बचपन से, आई एम लाइक क्या करूं मैं, माय ब्रदर, लाइक आई वाज टेलिंग यू बिफोर, कि उनको डॉक्टर बनना था और वो बहुत क्लियर थे कि उनको डॉक्टर बनना है, या वेरी फोकस्ड, और मैं सोचती थी कि उनको कैसा, लाइक इतना कन्विक्शन के साथ वो बोल रहे कि उनको डॉक्टर बनना है। तो मैंने सोचा भी क्या, शुड आई बिकम अ डॉक्टर? फिर मैंने उनका बुक्स देखा, और बहुत सारे ऐसे इतने मोटे मोटे बुक्स और इतने छोटी छोटी हैंडराइटिंग में जो लिख रहे थे, आई वाज लाइक नहीं, डॉक्टर तो नहीं बन सकती हूँ, बनो नहीं। तो फिर व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग माय साउथ फिल्म, जब वो ऑफर आया था, मैं बहुत एप्रिहेंसिव थी कि मैं कर पाऊंगी कि नहीं, और दैट इज व्हेन माय मॉम सेड कि यू नो पूजा ट्राई, क्योंकि अगर आपको अपने कभी कोशिश नहीं की है तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपको ये करना है कि नहीं करना है। सो आई वेंट, आई डिड इट, एंड व्हेन आई वेंट ऑन सेट, आई जस्ट फेल्ट लाइक वाओ, लाइक दिस इज व्हाट आई वांट टू डू, यू नो, मे बी इट वाज अ वे ऑफ एक्सप्रेसिंग माई सेल्फ, आई डोंट नो, क्योंकि मैं बचपन से बहुत शाय थी और
काफी इंट्रोवर्टेड थी, स्टेज फ्राइट था. सो आई डोंट नो समथिंग अबाउट इट. आई ऑलवेज सी कि लोग हमेशा बहुत सारे एक्ट्रेसेस दे पिक दे ऑलवेज उनका एक सपना होता था कि उनको एक्ट्रेस बनना है और दे पिक द फील्ड दैट दे आर इन. बट आई फील दैट द फिल्म इंडस्ट्री हैज पिक्ड मी. आई फील लाइक देयर इज सम डेस्टिनी दैट आई हैव लैंडेड अप हियर. मुझे फिल्म इंडस्ट्री आपने कभी देखी नहीं थी, एकदम ही नॉन फिल्मी बैकग्राउंड, और यहाँ आना, काम करना, अपनी जगह बनाना और इतने कम वक्त में यू नो एक पहचान बनाना आसान तो नहीं होता है. लेकिन वो जो आपने कहा कि एक रोलर कोस्टर राइड रहा है, सो वो वक्त आपने किस तरीके से, एक होता ना कैसे हैंडल किया उस वक्त को भी जब कुछ नहीं हो पा रहा था, या यू फेल्ट लाइक यार ये शायद कभी आपको लगा कि नो आई शुड जस्ट लाइक इफ आई हैव लाइक डिसाइडेड कि मुझे ये करना है तो मेरे को करना ही था. और मेरे माइंड में हमेशा था कि मैं करके दिखाऊंगी. आई नेवर लाइक डाउटेड दैट. बट ऑब्वियसली बहुत टाइम, एक साल था जब मुझे कुछ भी यू नो ऑफर्स नहीं आ रहे थे, और या फिर ऑफर्स आ रहे थे बट इट वॉज नॉट एक्साइटिंग, इट वॉज नॉट ग्रेट. और टेंशन तो था, स्ट्रेस था, बट आई रियली वेटेड एंड God gave me a good, you know, response after 1 year when I started getting the kind of work I wanted to. चलो आप ही नाम बताते जाओ. You're working with रामचरण, रामचरण प्रभास के साथ. अभी हमने राधेश्याम देखा, Beast in Tamil. अल्लू अर्जुन के साथ ऑब्वियसली जो अभी रिलीज हुआ था अलावा कुंटपुरम लो. महेश बाबू के साथ एक फिल्म अभी मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ. सलमान के साथ कभी दिवाली एंड सर्कस विद रणवीर सिंह एंड रोहित शेट्टी. यस, इमेजिन. तो ऑल तमिल, तेलुगु, हिंदी. सो यू हैव ऑल द इंग्रेडिएंट्स. या आई एम कीपिंग इट ऑल टू माय सेल्फ. यस, रणवीर सिंह के साथ आई एम श्योर बहुत मजा आ रहा होगा, बिकॉज एक तो सेट वैसा, रोहित शेट्टी और कॉमेडी. सो आई नो, आई मीन वी विल टॉक अबाउट द फिल्म लेटर. करेक्ट, उनके साथ काम करना, इट्स अ ग्रेट एनवायरमेंट. रोहित सर सो वेलकमिंग, सो वार्म. यू नो ऐसे कभी नहीं रहा कि लाइक मैं बाहर से आई या फिर मैं न्यू हूँ ये गैंग में. इट्स लाइक ही इज वेरी वेलकमिंग, वेरी वार्म. और वो जो एक अपना सा फीलिंग है वो बहुत आसानी से लाइक इट काइंड ऑफ वी जेल्ड वेरी इजिली एंड दैट समथिंग. थैंक गॉड. एंड देयर इज सलमान खान. या अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है, अभी लाइक वील स्टार्ट वेरी सून, मे बी नेक्स्ट मंथ. बट आई एम एक्साइटेड फॉर दैट, क्योंकि ये जो फिल्म थी पैंडेमिक से पहले हम स्टार्ट करने वाले थे, फिर पैंडेमिक की वजह से डिले हो गया. सो नाउ आई एम जस्ट लाइक अभी स्टार्ट करो, आई वुड जस्ट वांट टू स्टार्ट द फिल्म. पूजा, आई सॉ अ ह्यूज रिस्पॉन्स व्हेन यू वर अ पार्ट ऑफ द बैंक. मैं कुछ कुछ क्लिप्स देख रही थी और पूजा जब स्टेज पर आ रही है तो एक अलग ही शोर मैंने देखा. तो वो वहां पर कैसा रहा, क्योंकि सलमान के साथ, चलो अभी फिल्म तो बाद में शुरू होनी है, बट आपने शो कर लिया. सो एक तो रिस्पॉन्स, आई मीन वो शोर आई थिंक दुबई में काफी तेलुगु तमिल भी है, और बुट्टाबम्मा जब मैंने डांस किया था तो सब लोग बहुत एक्साइट हो गए थे, बिकॉज आई एम जस्ट लाइक आई थिंक वो इट्स बिकम अ लाइक वर्ल्ड में लाइक पीपल नो अबाउट द सॉन्ग एंड दे वर वेरी एक्साइटेड दैट आई डिड दैट. सो आई एम ग्लैड. बट हाँ, जो वीडियोज रिलीज मतलब हुआ था, हाँ काफी वायरल हो गया था एंड सब लोग बोल रहे थे कि बहुत केमिस्ट्री बहुत अच्छा है एंड दैट्स समथिंग दैट आई वाज रियली हैप्पी अबाउट, क्योंकि ये जो एक छोटा सा टीजर जो था. फाइनली योर विश लिस्ट, अभी रणवीर हो गया, रणवीर हो जाएगा. आपने बोल दिया ऑलमोस्ट. पूजा रणवीर सिंह, रणवीर कपूर के साथ काम करना चाहते हैं फॉर श्योर. रणवीर, आई डेफिनेटली वांट टू वर्क विद हिम. आई वांट टू वर्क विद विक्की आल्सो इन हिंदी. या बहुत, और फिल्म मेकर्स की भी बहुत लाइक बड़ी लंबी लिस्ट है मेरी. आई वांट टू वर्क विद अ लॉट ऑफ डायरेक्टर्स. आई वुड से श्रीराम राघवन, जोया अख्तर, वासन बाला इज समवन आई थिंक आई रियली वांट टू वर्क विथ. राजू हिरानी एंड ऑल, ये तो संजय लीला भंसाली, ये तो सब एक्टर्स की लिस्ट में होते हैं. बट यस, ऑफ कोर्स आई रियली वांट टू वर्क विद दीज डायरेक्टर्स. और सुजीत सरकार. और इस साल 5 फिल्में आ रही हैं पूजा. यस, 5 रिलीजेस अभी तक. 5 अभी तक, 5 पता नहीं. ऑल द बेस्ट और मोर पावर टू यू, क्योंकि सच में मतलब अगर इस तरह के का काम हो रहा है, एक्सेप्टेंस है तो कहीं ना कहीं वो है एंड यू नो यू हैव वर्क्ड हार्ड ऑन इट. थैंक यू सो मच. थैंक यू, बाय.